नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। प्रश्नों की श्रृंखला का एक और नया अध्याय आज हम फिर से एक नई श्रृंखला करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न हैं और ये इन प्रश्नों से हमारी तैयारी और भी कितनी हो सकती है या फिर एक प्रश्न के द्वारा हम लोग कितने ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। बता दूं आप सभी को ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन आप इतना ध्यान देना, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि ये प्रश्न हूबहू किसी परीक्षा में आएंगे, लेकिन अगर आप निसंदेह परिश्रम करते रहें, साथ में लगे रहेंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर आपके लिए फायदेमंद होंगे। यानी कि ये ऐसे प्रश्न है जो मैंने बिल्कुल ओरिएंटेड लिया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है, ताकि ये क्वेश्चन आपके लिए काम आ जाए किसी भी परीक्षा में। तो यहां देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये है क्या, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, उनका भार और ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कैसी होगी। इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम इज नोन सेकेंडली एंड द बेसिस ऑफ वेट एंड एनर्जी देन व्हिच विल बी द शेप फॉर्म्ड, इकोटोन, पिरामिड्स एंड निकेट और जैव विविधता। आपके सामने चार विकल्प दिया गया है। कह रहा है किसी भी इकोसिस्टम में, सबसे पहले जानो कि इकोसिस्टम क्या होता है। दोस्तों जहां भी कोई जीवधारी रहता है वह जीवधारी अपने आसपास के वातावरण से संबंध रखता है। जैसे हम मान लीजिए हम लोग हैं, हमारे आसपास का वातावरण क्या है, जल है, वायु है, मिट्टी है, तमाम पेड़ पौधे हैं और जंतु हैं, तो हमारा संबंध इन सबसे है और इन्हीं संबंधों का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों अब देखिए अगर हम बात करें आगे की, तो यहां देखिए आगे हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए इकोसिस्टम में रहने वाले सभी जीवधारियों को उनकी संख्या, उनके भार और उनमें ऊर्जा के स्थानांतरण को अगर हम किसी आकृति के माध्यम से बनाए तो आकृति कैसी बनेगी। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां देखिए आकृति कैसी बनेगी इस प्रकार की। देखिए एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन साहब ने कहा था कि इस प्रकार से के पिरामिड से हम सभी लोग दर्शा सकते हैं कि संख्या कितनी और भार कितना है। दोस्त यहां देखिए पिरामिड्स के आधार में ये नीचे वाला आधार, हमेशा आधार भाग होता है दोस्तों, और आधार भाग में हमेशा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है शीर्ष भाग, ऊपर उसको क्या होता है शीर्ष भाग। अब ये पिरामिड सीधा है दोस्तों, ये पिरामिड सीधा है और यहां देखेंगे ये ऊपर शीर्ष, दोस्तों शीर्ष कैसा चौड़ा है और जो नीचे आधार वो कैसा पतला है। दोस्तों मैंने क्या बोला कि आधार में हमेशा क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, तो यहां भी स्वपोषी होगा और ऊपर क्या होगा दोस्तों, यहां देखिए यहां होते हैं, ऊपर की ओर जब जाएंगे यहां होते उपभोक्ता। देखो अगर स्वपोषियों का की संख्या भार अधिक है तो पिरामिड सीधे बनता है, और अगर स्वपोषी संख्या और भार में कम है उपभोक्ता से, पिरामिड उल्टा बनता है। तो पिरामिड के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि संख्या कितनी है, किसकी संख्या अधिक है, किसकी संख्या भार है, किसकी संख्या कम है, किसका भार अधिक है, किसका भार कम है। जैसे कि वन में देखिए, वन में या फिर महासागर में, या फिर महासागर में दोस्तों, या फिर हम बात करें घास के मैदान में, जो जीव संख्या वाला पिरामिड होता है वह सीधा बनता है क्योंकि यहां पर स्वपोषी की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें वृक्ष पर, तो वृक्ष अकेला है और वृक्ष पर रहने वाले उपभोक्ता कई होते हैं, तो संख्या में वृक्ष कम हो गया अर्थात स्वपोषी कम हो गया, तो वृक्ष पर जीव संख्या वाला पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। दोस्तों आगे देखिए दिया है इकोटोन। अगर मैं बात करूं आप सभी से इकोटोन की, तो इकोटोन क्या होता है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, इकोटोन कहलाता है। मान लो अभी ये वन है और ये घास का मैदान है, तो वन और घास के मैदान के बीच कुछ ऐसा एरिया आएगा जहां पर वन भी होगा, जहां पर घास भी होगी। वन और घास के बीच कुछ ऐसा एरिया आएगा जहां घास भी होगी और जहां वन भी होगा। दोस्तों इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, और यही दोस्तों क्या होता है, यही होता है इकोटोन। दोस्तों क्या है, ये इकोटोन है। देखिए यहां दिया गया निकेत। दोस्तों निकेत का मतलब क्या होता है, किसी भी स्थान पर, किसी भी प्राकृतिक स्थान पर निवास करने वाली किसी एक प्रजाति की संख्या जो होती है वह होती है निकेत। अगर हम बात करें जैव विविधता, इसको कहते हैं बायोडायवर्सिटी, किसी भी प्राकृतिक स्थान पर
पालतू या फिर जंगली, देसी या फिर विदेशी, देसी या फिर विदेशी, विदेशी पेड़ पौधे और जंतुओं की प्रजातियों में अधिकता, प्रजातियों में अधिकता ना कि संख्या में, प्रजातियों की संख्या कहेंगे, प्रजातियों की संख्या में अधिकता ही जैव विविधता है। दोस्तों डब्ल्यू जी रोजन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द दिया था, और ध्यान देना ईओ विल्सन साहब क्या है, ईओ विल्सन को हम कहते हैं फादर ऑफ बायोडायवर्सिटी। और आप जानते सबसे पहले 1992 में हुए रियो डी जिनेरियो सम्मेलन में जो हुआ था, रियो सम्मेलन ये हुआ था 1992 में, इसको हम कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसी में एजेंडा 21 लाया गया था दोस्तों, इसी में सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द को परिभाषित किया गया था, आपको पता होगा। और हमारे भारत में 2002 में सबसे पहले जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, और हर 22 मई को दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हर 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जो इस बार का थीम था दोस्तों वह क्या था, थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। इस बार का थीम था, ठीक है दोस्तों, यहां देख लीजिए सारे पॉइंट्स क्लियर है, यहां सही उत्तर क्या होगा, पिरामिड। आगे बढ़ेंगे, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो तो, किस विटामिन की, द बोन्स ऑफ द लिम ऑफ लिम्स आर ट्विस्टेड इन द चिल्ड्रेन इफ देयर इज अ डेफिशियंसी ऑफ। दोस्तों यहां देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन डी और विटामिन ई। दोस्तों अस्थि की बात कर रहा है, अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो आपको पता है इसकी कमी से दोस्तों क्या होगा, तो इसकी कमी से होता है, आपको पता है रतौंधी होती है, रतौंधी होगी, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल दोस्त, रतौंधी होती है, जीरोथैल्मिया भी हो जाती है, जीरोथैल्मिया होती है, और दोस्तों इससे क्या होता है, इससे आंखों में प्रॉब्लम होती है। देखिए विटामिन बी वन है तो थायमिन केमिकल नेम है दोस्तों, कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन डी है दोस्त, जो विटामिन डी होती है यह क्या है, कैल्सिफेरॉल है, और कमी से क्या होता है, तो कमी से होता है अस्थि रोग, मतलब बोन डिजीज, हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियो मलेशिया की समस्या, या रिकेट्स होता है, सूखा रोग जिसको बोलते हैं दोस्तों, बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में होता है ऑस्टियो मलेशिया, तो उसी रिकेट्स को हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसी को हम कहते हैं अस्थियां मुड़ जाना। विटामिन ई दिया हुआ है दोस्तों, इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन, या इसी को हम कहते हैं प्रजनक विटामिन, प्रजनन विटामिन दोस्तों कहते हैं, क्योंकि यह इसकी कमी से व्यक्ति के अंदर नपुंसकता और बाझपन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो विटामिन डी कैल्सिफेरॉल दोस्तों यही क्या है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होती है जो कि हड्डी रोग है। कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, किसी जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन होंगे या दो न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों, या फिर क्या होगा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या दोस्तों, इसका मतलब पूछ रहा है, क्रमांक नहीं पूछ रहा आपसे, भार पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, भार पूछ रहा है, तो यहां हम क्या बताएंगे दोस्तों, भार क्या होता है, व्हाट इज द मीन नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज एटम्स हैज टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स एंड टू इलेक्ट्रॉन। दोस्तों यहां देखिए हम क्या कह सकते हैं, देखिए कहते हैं कि परमाणु संख्या क्या होगी दोस्तों, परमाणु संख्या पहले क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है, कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, की संख्या दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कि यह होता है परमाणु क्रमांक। अगर परमाणु क्रमांक पूछता तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या आता दोस्तों, यहां पर हम कहते
कि हमारा सही आंसर क्या है दोस्तों, तो हम कहते हैं हमारा सही आंसर यहां पर है 2। लेकिन परमाणु भार पूछ रहा है, यानी परमाणु द्रव्यमान पूछ रहा है दोस्तों, परमाणु भार पूछ रहा है, द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है। तो यहां हम कहेंगे बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब बताओ प्रोटॉन कितना है, 2 है दोस्तों, न्यूट्रॉन कितना है, 2 है, तो 2 कितना हो गया, 4 दोस्तों। 4 क्या आ गया, ये 4 आ गया इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या। 4 दोस्तों क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या यहां पर निकल करके आ चुकी, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 हम कहेंगे, ठीक है दोस्तों। वैसे भी क्या होता है, किसी भी नाभिक के अंदर आप जानते हैं धन आवेश या पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके नाभिक के बाहर दोस्तों, नाभिक के बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड अप करते रहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग क्या है, द कॉमन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का और पाचन तंत्र का कॉमन भाग पूछ रहा है क्या होता है दोस्त। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये होती है नजल कैविटी, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम कहते हैं नजल कैविटी, ठीक है ना। देखिए दोस्त, तो ये होती है नेजल कैविटी, यहां ये भाग है नोस्ट्रिल का दोस्तों, इस भाग को हम नाम देते हैं बकल कैविटी दोस्तों। ये क्या है, ये होती है बकल कैविटी दोस्तों, ये क्या है, ये होती है नोस्ट्रिल, ये है नोस्ट्रिल। तो ध्यान दीजिए, यहां से हम सांस लेंगे दोस्तों, यहां पर क्या होता है, यहां से निकलता है म्यूकस दोस्तों, यहां होता है ऑयुला, यहां से हम फूड अंदर लेंगे, यहां से वायु ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, यहां से फूड ले रहे हैं, एयर यहां से आएगी, फूड यहां से आएगा, दोनों आकर कहां मिलते हैं, ये भाग होता है फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको हम नाम देते हैं, फेरिंग्स जिसको हम नाम देते हैं ग्रसनी, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ग्रसनी। तो यहां आप देख सकते हैं, यही जो ग्रसनी होती है यही कॉमन पार्ट होगा दोस्त, और यही देखिए अगर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यही पर होता है ऑल्फैक्टरी ऑर्गन दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर होता है ऑल्फैक्टरी दोस्तों, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है जो कि हमारे सूंघने की शक्ति को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन होता है। और आगे बढ़ेंगे, यहां देखिए क्या होता है, यहां होता है कंठ दोस्तों, कंठ जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स, और लैरिंग्स जो होता है, इसी लैरिंग्स से हमें हमारी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, यानी यही से ध्वनि उत्पन्न होगी, तो इसको हम कहते हैं साउंड बॉक्स, ये साउंड सिस्टम भी कहलाता है दोस्तों। यही देखिए लैरिंग्स के पास होता है एपिग्लॉटिस जो कि गेट होता है श्वास नली और ग्रास नली का, और अगर हम देखें जो श्वास नली होती है वह पहुंचती है फेफड़े में, और ग्रास नली पहुंचती है आमाशय में। जो ग्रास नली का गेट है उसको हम क्या कहते हैं, गलट, उसको हम बोलते हैं गलट, गलट, और जो श्वास नली का गेट होता है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस दोस्तों, उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। यहां जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। आगे, माध्यम की सघनता बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। मतलब हम जानते कि ध्वनि तरंगे कंपन से उत्पन्न होती हैं दोस्तों, जहां कंपन होगा वहां तरंग उत्पन्न होती है, ध्वनि भी एक प्रकार की तरंग है, परंतु सभी वाइब्रेट वाइब्रेशन, सभी वाइब्रेशन, सभी कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। जिन कंपनों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच हो, उन्हीं से कंपन उत्पन्न होता है दोस्तों, और उन्हीं कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जो ध्वनि है, ध्वनि की चाल आपको मालूम होगा दोस्त, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहां होती है, ठोस में होती है, और इससे कम कहां होती है, द्रव में होती है, इससे कम कहां होती है, गैस में होती है दोस्तों, कहां होती है, गैस में होती है। और ध्वनि की चाल आप जानते हैं निर्वात में क्या होती है, शून्य होती है। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहां पर कोई भी वातावरण ना हो, जहां पर कोई द्रव्यमान ना हो, जहां कोई मैटर ना हो, उसको हम कहते हैं निर्वात, यानी वैक्यूम। और वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, शून्य होती है। आप देखिए, जैसे माध्यम की सघनता कम हो रही है वैसे ध्वनि की चाल क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है।
जहां माध्यम में डेंसिटी जीरो हो गई है वहां चाल देखिए जीरो हो गई है। तो कहेंगे माध्यम की सघनता के बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहां है, ठोस में है। और ठोस दोस्तों कहां पर, एल्यूमिनियम में कितनी होती, 6420 होती है। वैसे ध्यान देना एयर में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है एयर में, 0 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्त यहां कहेंगे आपका ए वाला सही है। आगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक बनता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई वस्तु देख रहे हैं तो उसका इमेज हमारे ब्रेन पर कब तक बनेगा। सपोज करिए कि यहां पर कोई कुर्सी रखी गई, दोस्त यहां पर यह कोई कुर्सी रखी गई है, क्लियर, यह कोई कुर्सी यहां पर है, ध्यान से देखिए दोस्त, कोई एक कुर्सी यहां रखी गई है और इस कुर्सी पर अब हुआ क्या है, हम जानते हैं कि प्रकाश, मान लो यहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो प्रकाश सबसे पहले इस कुर्सी पर जाता है, इस कुर्सी पर जाएगा दोस्तों, इस कुर्सी पर जाएगा और यहां से रिफ्लेक्ट होगा, यहां से परावर्तित होगा, सीधे कहां जाएगा, सीधे हमारी आंखों में जाएगा दोस्तों, सीधे हमारी आंखों में जाएगा। तो आंखों की रेटिना जो होती है, जो आंखों की रेटिना है, यहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है, उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क का जो कारपोरा भाग है वह इस प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है। तो आखिर किसी वस्तु को देखा उसके बाद निगाहें हटा ली तो बताओ प्रतिबिंब कब तक बनता है। दोस्तों कहेंगे 0.8 सेकेंड, ये तो हमारी हार्ट बीट होती है, 0.10 सेकेंड, 0.15 सेकेंड, 10 सेकंड दोस्तों कहेंगे। इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर क्या होगा, 0.10 सेकंड दोस्तों, या कहते हैं 1/10 सेकंड तक उस वस्तु का इमेज हमारी मस्तिष्क पर बना होता है। और जब हम कोई ध्वनि सुनते हैं दोस्तों, जब कोई ध्वनि सुनते हैं तो सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे ब्रेन पर 1/16 सेकेंड या 1/15 सेकेंड तक होता है, यह आप जानते रहना। दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिए, 1/10 सेकेंड तक वस्तु का इमेज सेव रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू इम्प्योरिटीज, वही रहता है, बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, या इनमें से कोई नहीं, दोस्तों ये पूछ रहा है। देखिए यहां पर आपको समझने वाली बात दोस्तों, क्वथनांक किसको बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्त, बॉइलिंग पॉइंट को हम बोलते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट पर किसका किसका इफेक्ट पड़ता है दोस्त, देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब यह है कि पानी जितने तापमान पर गर्म होता है उससे अधिक तापमान पर गर्म होगा। बॉइलिंग पॉइंट घटने का मतलब यह कि पानी जितने तापमान पर गर्म होता है उससे कम तापमान पर गर्म होगा। देखो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर के इंक्रीज करने पर दोस्तों, या मान लीजिए इंप्यूरिटी मिलाने पर, या कोई भी इंप्यूरिटीज मिला देने पर, इन दोनों के कारण दोस्तों क्या होता है, इन दोनों कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर दोस्तों क्या होगा, बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ जाने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यह भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मतलब क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा दोस्तों। इससे क्या होगा, क्वथनांक के बढ़ने से जो भोजन होगा ना, वह भोजन जहां अब तक 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पक रहा था, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकना शुरू हो जाएगा और भोजन को 20 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगी, एक्स्ट्रा ऊष्मा मिलेगी और भोजन क्या होगा, शीघ्र पक जाता है, यह भी आप जानते रहना, क्लियर। तो कहेंगे बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट इंप्योरिटी को मिलाने से या प्रेशर के बढ़ा देने पर, तो यहां आपका बी आंसर सही है। आगे, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंडिकेटेड दैट बी हीट ऑन कॉन्टेक्ट, वस्तु उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या पृथ्वी से
उस वस्तु में प्रवाहित होगी। देखो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यह ध्यान देना, और सदैव दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण वस्तु ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाती है, और ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान ना हो जाए, और जब ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी दोस्तों, इसी समय वह क्या कहलाएगी, ऊष्मा कहलाएगी। आपको यह मालूम होना चाहिए। तो ऊष्मा हमेशा दोस्तों क्या होती, अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप की ओर जाती है। और ध्यान रखना ऊष्मा के मात्रक क्या क्या होते हैं दोस्तों, जूल भी है, कैलोरी भी है, बाकी व्यवहारिक मात्रक होते हैं किलो कैलोरी है, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी है, इसको आप जानते रहिए दोस्तों। कहते हैं यहां पर आपका बी आंसर सही है। आगे देखिए, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में से कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है दोस्तों। यहां देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज नॉट फंक्शनिंग व्हेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्युमुलेटेड इन द ब्लड। आप देखिए लीवर है, फेफड़ा है, ब्रिक है और किडनी दोस्तों हृदय है, मतलब लीवर है, लंग्स है, किडनी और हार्ट है दोस्तों। यहां देखिए अगर मान लीजिए हमारा जो ब्लड है दोस्तों, ब्लड आप जानते हैं रक्त एक प्रकार का, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव लिविंग वैस्कुलर टिश्यू। ब्लड का पीएच मान भी आप जानते होंगे 7.4 होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और आपको पता होगा कि जो ब्लड हमारा होता है 100 ml ब्लड है नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है, उसमें 30 मिलीग्राम यूरिया मिली होती है, 30 मिलीग्राम यूरिया होती है, ये आपको पता है, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। ब्लड कितना होता है नॉर्मल में, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक नॉर्मल व्यक्ति में। इसका जो अध्ययन होता है वह हीमेटोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अब यहां अगर मैं बात करूं कि ब्लड में देखिए यूरिया कितनी होती है, 100 ml ब्लड में 30 मिलीग्राम यूरिया होती है, और यूरिया अगर बढ़ रही है तो यूरिया को फिल्टर करके, इसको फिल्टर करके मतलब ब्लड को फिल्टर करके और बची हुई यूरिया को कौन बाहर करता है, तो ये बाहर करती है किडनी हमारी। तो जरा सोचिए अगर किडनी हमारी फंक्शन करना बंद कर देगी तो जाहिर सी बात है जो ब्लड में यूरिया है वो छनेगा नहीं, और जब यूरिया ब्लड में छनेगा ही नहीं तो वह ब्लड से बाहर निकलेगा नहीं, और ऐसे में जो यूरिया की मात्रा होगी वो हमारे ब्लड में बढ़ जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखना ब्लड में कितनी यूरिया, 30 मिलीग्राम। और अगर बात करें हम यूरिन की, तो देखिए जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, इसमें दोस्तों अगर 100 ml यूरिन है तो इसमें आप कहेंगे कितनी यूरिया होती, 2 ग्राम यूरिया होती है, तो 2 ग्राम यूरिया होती है 100 ml यूरिन में। अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जा रही है यूरिन में तब भी प्रॉब्लम है, अगर ब्लड में बढ़े तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब समझने वाली बातें हैं। तो कहेंगे हमारा ब्रिक जो होगा, जो हमारे किडनी होगी, इस किडनी का फंक्शन सही नहीं है और इसीलिए यूरिया की मात्रा बढ़ रही है ब्लड में दोस्तों। और एक बात ध्यान देना, जो हमारा लीवर होता है ये क्या करता है, यह यूरिया का उत्पादन करता है, मतलब यूरिक एसिड को और अमोनिया को, इन दोनों क्या करता है, ये यूरिया में चेंज करता है और ब्लड में भेजता है, फिर वह ब्लड से किडनी में पहुंचती है, किडनी उसको बाहर कर देती है। जो हमारा लीवर होता है ये केमिकल फैक्ट्री होता है, केमिकल फैक्ट्री, ध्यान रखना इसको आप लोग, और इसी को हम बोलते हैं जैव रासायनिक प्रयोगशाला। जो हमारा हार्ट है ये केवल ब्लड को पंप करता है, ठीक है, इसको भी आप जानते रहिए, ठीक है ना। तो यहां हम कहेंगे हमारा गुर्दा सही काम नहीं कर रहा है, किडनी सही काम नहीं कर रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है, विच क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों अगर हम बात करें गुणसूत्रों की, तो गुणसूत्र देखिए दोस्तों, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, मतलब हमारे गुणों को निर्धारित करने वाले सूत्र। देखिए सबसे पहले स्ट्रासबर्गर साहब ने क्या किया था, गुणसूत्र की खोज की थी, ठीक है ना, और वाल्डेयर साहब ने क्या किया, इसका नाम दिया था कि यह क्रोमोसोम है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने। दोस्तों इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है सबसे पहले पैतृक लक्षणों का यह वाहक है दोस्तों। कहेंगे कि जो पैतृक गुण होते हैं, पैतृक गुण मतलब हमारे मां बाप से आने वाले पैतृक गुणों का वाहक है, गुणों का वाहक होता है दोस्तों। ये क्या होता है,
यह पैतृक गुणों का वाहक होता है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। और इसके बाद देखिए इसमें एक पॉइंट दोस्तों और कह सकते हैं कि यह क्या होता है, लैंगिक गुणों का वाहक भी होता है, लैंगिक गुणों का वाहक भी होता है, गुणों का वाहक दोस्तों ये दोनों यह भी होता है। अब यहां देखिए दोस्तों, यहां देखने वाली बात यह, किसी व्यक्ति के अंदर कुल दोस्तों कहते हैं कि ह्यूमन में दोस्तों क्या होता है, कुल 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलकर के 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें हम कहते हैं मेल में कितने, मेल में और फीमेल दोस्तों, मेल और फीमेल दोस्तों 22 देखिए क्या होते हैं, समान होते हैं मेल और फीमेल में दोस्तों। 22 कितने होते हैं, समान होते हैं, 22 दोस्तों समान होते हैं, इनको हम कहते हैं समजात गुणसूत्र, इसलिए महिला और पुरुष में समानता होती है। मतलब 22 क्रोमोसोम जो कि ऑटोसोम कहलाते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम होते हैं, एकदम समान होते हैं दोस्त, तो हम कहते हैं कि इनको समजात गुणसूत्र। आप देखिए महिला और पुरुष में बहुत सारी समानताएं होती हैं, आंख नाक चेहरे की बनावट हाथ पैर शरीर के अंदर और बाहर के अंग सब समान होते हैं, लेकिन कुछ जो सेक्सुअल डिफरेंट होते हैं वह किस लिए होते हैं दोस्तों, तो वह होते हैं पुरुषों में XY और महिलाओं में XX, इसके कारण क्या होते हैं सेक्सुअल डिफरेंट आते हैं दोस्तों। अगर देखिए हम देखें कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें किसका क्रोमोसोम होता है, तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो सी होगा दोस्तों। यहां कहेंगे माता और पिता से, इन दोनों से दोस्तों क्या होता है, ये तय होगा कि सेक्स क्या होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि मच्छर मलेरिया का वाहक होता है दोस्तों, कह रहा है कि जो मच्छर होता है वह मलेरिया का वाहक होता है, यह सबसे पहले किसने बताया था, देखिए डोनाल्ड रास, चार्ल्स लवेरान, रॉबर्ट कोच और लुई पाश्चर। दोस्तों यहां देखिए आपके पास चार विकल्प है, हम जानते हैं जो मलेरिया का दोस्तों मच्छर है वह क्या होता है, वह है फीमेल एनाफिलीज दोस्तों, फीमेल एनाफिलीज ऐसा मच्छर होता है दोस्तों, एनाफिलीज जिससे क्या हो रहा है, जिससे मलेरिया होती है। और यहां देखिए मलेरिया कई प्रकार का है, एक होता है जिसको हम कहते हैं दोस्तों यहां पर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, प्लाज्मोडियम वेल है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, तो कई प्रकार का ये होता है प्लाज्मोडियम। तो ध्यान देना, सबसे पहले डोनाल्ड रास साहब ने बताया था कि जो मलेरिया होता है दोस्तों वह कैसे होता है, उसमें जो वाहक होता है वह मच्छर होता है, तो सबसे पहले यह किसने बताया, तो डोनाल्ड रास साहब ने यह बताया था कि जो मलेरिया होगा वह मच्छर से होता है दोस्तों, और उस मच्छर का नाम क्या होता है, उस मच्छर का नाम है यहां पर दोस्तों, क्या नाम है उसका, उसका नाम यहां पर है मादा एनाफिलीज मच्छर। और अगर हम देखें आगे तो दोस्तों कहते हैं चार्ल्स लेवरान और रॉबर्ट कोच साहब और लुई पाश्चर, आपको पता होगा जो लुई पाश्चर साहब हैं सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि रेबीज एंटी रेबीज के बारे में दोस्तों, एंटी रेबीज के बारे में दोस्तों। रॉबर्ट कोच साहब ने टीबी की खोज की थी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो सबसे पहले उसके बारे में बताया हुआ था दोस्तों, यहां पर आपका विकल्प ए वाला सही होगा। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, मतलब कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर साउंड वेव, इनको ध्रुवित कर सकते हैं, ये प्रकाश का गुण होता है, ध्वनि का गुण नहीं होता है, ये निर्वात में चल सकती हैं, यह भी प्रकाश का गुण है, ध्वनि का गुण नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, उपरोक्त में सभी कथन सत्य है दोस्तों, ऐसा नहीं है उपरोक्त में सभी सत्य नहीं है, बल्कि केवल सी वाला सही है, और दिया हुआ सभी विकल्प दोस्तों क्या है, गलत है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि होती है उनकी चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है, क्लियर। तो यहां देख लीजिए ये पॉइंट सही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, और अगर अपने अगले प्रश्न की बात करूं मैं तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कौन सा पदार्थ ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज द ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, कह रहा है कि फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों हम जानते हैं जो ब्लड हमारा होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही
यूजुअली फंक्शन करता है। जैसे कि सबसे पहले यह महत्वपूर्ण गैसों का परिवहन करता है, बॉडी में जितने भी जहां भी हमको मिनरल्स की नीड है, हार्मोन की नीड है, एंजाइम की नीड है, सभी अंगों तक यह एंजाइम, हार्मोन और मिनरल को पहुंचाता है। हमारी बॉडी में जहां पर भी वेस्ट मटेरियल है उसको ब्लड क्या करता है, वहां से खींच करके लाता है और किडनी को देता है या स्किन देता है, दोस्तों ये सब उसको बाहर कर देती है। जो हमारा ब्लड होता है, हमारे बॉडी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी नष्ट कर रहा है और साथ ही साथ बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का कार्य करता है ब्लड। तो दोस्तों ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रेलगाड़ी होती है, जैसे पानी वाले जहाज हैं जो कि परिवहन का मुख्य साधन है, वैसे ये होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है कह रहे हैं कि कहेंगे यकृत या गुर्दे द्वारा डीऑक्सीफाई, दोस्तों मतलब डिटॉक्सिफाई और हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद का परिवहन करता है और पाचन क्रिया से पोषक तत्वों का भी दोस्तों परिवहन करता है। तो दिए हुए सभी विकल्प सही है, मतलब हमारे लीवर और गुर्दे से जो डिटॉक्स होते हैं केमिकल्स उनको बाहर करेगा, उनको पहुंचाएगा इधर उधर, और पाचन क्रिया के बाद जो अपशिष्ट जो दोस्तों क्या जो पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज मिलेंगे, जैसे कि यहां पर वसा मिलेंगी, जैसे यहां पर प्रोटीन मिलेगा, पचने के बाद इनको ब्लड क्या करता है, इनका परिवहन करके उसको सेल्स में भेज देता है और गुर्दे से या फिर लीवर के माध्यम से डिटॉक्स किए गए अपशिष्ट को, वेस्ट केमिकल्स को बाहर करता है। ये सारे कार्य ब्लड के होते हैं दोस्तों, कहेंगे यहां पर डी वाला आंसर करेक्ट आंसर है। आगे, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसीज में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। दोस्तों यहां देखिए एक बात तो हम जानते हैं, देखो आरबीसी जो होगी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दोस्तों आरबीसी का जो होता है इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। दोस्तों पॉइंट्स ये बन रहा, जो इरिथ्रोसाइट होती है, इरिथ्रोसाइट का निर्माण कहां होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है, विनाश होता है इनका स्प्लीन में। स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या इनको हम नाम देते हैं स्प्लीन को ही हम बोलते हैं ब्लड बैंक। दोस्तों जो आरबीसी होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख से 55 लाख पर सीसी होगी। इसको मापते हैं हीमोसाइटोमीटर से, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने मैमल्स होते हैं, मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट लामा और कैमल इन दोनों की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बातें आप जानते रहिए दोस्त। कहते हैं कि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है और उसी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आरबीसी की संख्या बढ़ती है। और जानिए अगर कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पर है तो लगभग 30% आरबीसी की संख्या बढ़ती है। और सबसे बड़ी आरबीसी जानते किसकी होती है, सबसे अधिक आरबीसी किसमें होती, ऊंट में। सबसे कम आरबीसी कुत्ते में या मेंढक में होती है। सबसे बड़ी आरबीसी होती है उभयचर की, एम्फियूका की, और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। और आरबीसी में लाल रंग होता है जो कि हीमोग्लोबिन से आता है, यह आप जानते रहे दोस्तों। जो आरबीसी होती है वह बाइकॉनिकल होती है, मतलब उभयतल होती है। कह रहा है कि मनुष्य में होने वाली आनुवंशिक रोग जेनेटिक डिजीज कौन से होते हैं, व्हाट आर द जेनेटिक डिजीज दैट अकर्स द ह्यूमंस, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वरांता। दोस्तों ऐसी बीमारियां जो हमारे हमारे वंशों से हमारे अंदर आती हैं उन्हें हम आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं। आनु मतलब आने वाली, वंशिक मतलब वंशों से, आनु मतलब आने वाली, वंशिक मतलब वंशों से आने वाली जो बीमारियां होती है उनको हम आनुवंशिक बीमारियां कह देते हैं। देखिए दोस्तों यहां कहेंगे सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस। दोस्तों सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है और कलर ब्लाइंडनेस, दोस्तों इसमें क्या कहेंगे, यह तीनों बीमारियां क्या हैं, यह तीनों जो होती हैं यह आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सभी सिंड्रोम होते हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं, आप जानते हैं इन सबके बारे में। हीमोफीलिया, इसमें अगर चोट लगती है तो ब्लड कहीं पर भी क्लॉट नहीं करता, ब्लड वहां से निकलता रहता है, थक्का नहीं बन पाता है। कलर ब्लाइंडनेस ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम ग्रीन और रेड को, ग्रीन कलर में और रेड कलर को डिफरेंट में नहीं कर पाते हैं, यह भी आप जानते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डबल रोटी, दोस्तों डबल रोटी यानी ब्रेड, व्हाट इज द बेकिंग पाउडर यूज फॉर द मेकिंग ब्रेड। दोस्तों किस में हम लोग कहते हैं कि डबल रोटी के बनाने में
किस बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। दोस्तों यहां देखिए, हम जानते हैं, कहेंगे यहां पर NaHCO3। दोस्तों NaHCO3 ये होता है NaHCO3, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों यही क्या है, ये होता है खाने वाला सोडा, और इस्तेमाल करते हैं ब्रेड में हम इसी का, दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों यहां देखिए और दिया, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, दोस्तों ये नमक होता है जिसको ब्राइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां NaHCO3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन थ्रू टैटूइंग। मतलब टैटू आप देखते हैं, टैटू का जमाना है भाई, लोग इंप्रेशन के लिए या जो भी चीजें होती है भाई उनके अंदर है, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोग टैटू बनवाते हैं। दोस्तों अब टैटू लोग बनवाते हैं तो देखिए, अब जो टैटू बनता है उसमें लोग इंक का प्रयोग करते हैं और पिन होती है, पिन और इंक से, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो फैलती भी हैं। जैसे अगर किसी पिन को किसी की बॉडी में हम डालेंगे और फिर बॉडी से निकाल के किसी और की बॉडी में फिर वो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वह बीमारी क्रिएट करेगा। जैसे दोस्तों सुई या सिरिंज जो होती है, मान लीजिए कोई डिस्पोजल है, कोई सिरिंज है, अगर किसी की बॉडी में लगाया और उसको निकाल करके फिर किसी में लगाया, तो अगर जो संक्रामक बीमारियां होती वो ऐसे फैल जाती है। दोस्त क्या कहते हैं, जो बीमारियां होती, जो रोग होता है वो एक्चुअली में दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक देखिए होता है जन्मजात रोग और एक होता है उपार्जित रोग। एक जन्म से पहले होता है, एक जन्म के बाद होता है, मतलब पैदा होने के बाद होता है। और इनमें देखिए एक बीमारी ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। दोस्तों ये क्या होते हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं, और एक होता है नॉन इन्फेक्शियस। जो नॉन इन्फेक्शियस होता है वह छुआछूत से नहीं फैलता है दोस्त, वह छुआछूत से नहीं फैलता है, लेकिन जो इन्फेक्शियस होता है ये छुआछूत से फैल जाता है। यानी कि ये ऐसे रोग होते हैं जो व्यक्ति के जो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं, और इसीलिए यह रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की ओर जाते हैं, स्वस्थ की ओर जाते हैं। दोस्तों अब जैसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप उसके आसपास बैठ रहे हैं, उसका कोई सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ खा पी रहे हैं, संबंध रख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, संक्रामक बीमारियां आपके अंदर चली आएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों अब कह रहा है कि टैटूइंग से क्या क्या होता है, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV। यहां दोस्तों आपके सामने तीन विकल्प दिए गए हैं, अब इनमें से बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जो टैटू करने से होती है। दोस्त टैटू करने से होती है, देखिए चिकनगुनिया की अगर हम बात करें, या तो थ्रू द मॉस्किटो, ये मच्छर इसमें कैरियर होता है, मच्छर से फैलती है, तो इसमें कोई राय नहीं। दोस्तों मैं कहूंगा ये बिल्कुल सही नहीं है। अब यहां देखिए हेपेटाइटिस बी और HIV/AIDS, दोस्तों ह्यूमन इम्यूनोवायरस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम। दोस्तों यहां देखिए दो बीमारियां ऐसी हैं, ये दो डिजीज ऐसे हैं, ये दोनों हेपेटाइटिस बी और एड्स, जो टैटूइंग करने से ऑब्वियस सी बातें फैल जाएंगे, एकदम ये स्प्रेड होते हैं टैटू करने से, सुई या सिरिंज के इस्तेमाल करने से, ठीक है दोस्तों। तो ये संक्रामक बीमारियां होती हैं और ये फैल जाती है। तो आपका यहां पर दो और तीन ऑप्शन सही है, ध्यान देना। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, इसका प्रभाव दोस्तों कहां पड़ता है, पड़ता है लीवर पर। दोस्तों इसका इफेक्ट कहां पड़ता है, वह पड़ता है हमारे लिम्फोसाइट पर, जो ये हमारे इम्यून सिस्टम पर इसका प्रभाव पड़ जाता है। क्लियर दोस्तों, इसकी जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, वह होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे, इसका नाम क्या है, एलिसा टेस्ट। दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्विक टेस्ट बोलते हैं, मतलब रैपिड टेस्ट इसका नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम रैपिड टेस्ट है। बहुत जल्दी इसकी टेस्टिंग हो जाती है और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति में क्या होने वाला है, मतलब वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव आएगा, तो रैपिड टेस्ट कह देते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर बात करें मैं, अगर बात करें इसका जो इलाज होता है वो क्या होता है, इलाज संभव नहीं है। हालांकि AZT यानी कि जुडोवोडिन एक ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल इसके
रोगियों के लिए होता है। तो यहां पर आपका बी और बी आंसर सही है, दो और तीन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगता है। दोस्त यहां देखिए बीसीजी का जो टीका होता है बीसीजी, इसको हम नाम देते हैं बैसिलस कालमेट ग्लूरिन। दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, हम कहते हैं बैसिलस कालमेट ग्लूरिन। दोस्तों देखना यह कि यह है क्या, आखिर ध्यान देना इसका फुल फॉर्म होता है। और दो वैज्ञानिकों ने, किसने, कालमेट साहब ने और ग्लूरिन ने क्या किया है, इसकी खोज की है। और दोस्तों जो बीसीजी लगता है ना वो क्यों लगता है, ये लगता है क्षय रोग के लिए। दोस्त ये लगता है क्षय रोग के लिए, क्षय जिसको हम कहते हैं यक्ष्मा, या इसको हम नाम देते हैं तपेदिक। तपेदिक ऐसी बीमारी है जो एक विशेष प्रकार के जीवाणु से होती है, इसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और एमटीबी इसको हम कहते हैं, सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक जीवाणु है। और इस जीवाणु के प्रभाव से हमारे फेफड़ों में संक्रमण होता है, जब भी खांसी आती है, और जब भी खांसी आएगी तो खांसी के साथ बलगम निकलता है, और इसे हम कहते हैं यक्ष्मा। इसमें व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो जाता है, व्यक्ति में ब्लड की कमी होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज जो सबसे अधिक मृत्यु होती है हमारे देश में वह टीबी ही है, वह यक्ष्मा ही है उसका प्रमुख कारण। और टीबी के उपचार के लिए बीसीजी का टीका लगता है, टेरामाइसिन की वैक्सीन लगती है, तमाम प्रकार के उपचार। दोस्तों एमडीटी जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी, दोस्तों इसके अतिरिक्त दोस्तों यहां डॉस कहेंगे, बल्कि जो एमडीटी होता है ना उसके इलाज में कुछ रोग के लिए करते हैं डॉस। दोस्तों इसका नाम क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट्स, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डॉट्स। तो डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट्स के थ्रू फ्री इलाज होता है आजकल टीबी के रोगियों का। जब देखो जब कोई बच्चा पैदा होता है दोस्तों, तो इंद्रधनुषीय टीके के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अदरवाइज आप जानते हैं एक टीका और होता है डीपी टीका होता है, डिप्थीरिया पर्टोसिस और टिटनस का होता है। तो डीपी टीका होता है, वह भी लगता है बचपन में। दोस्त यहां देखिए अब क्या हुआ है, अब पैदा होने के नवजात बच्चे में 7 टीके एक साथ, मतलब 7 वैक्सीन एक साथ होती है, उसका नाम क्या है, इंद्रधनुषीय टीका। एक बार लगा लिया सब कहानी फिनिश है ना। तो दोस्तों यहां कहेंगे सी आंसर सही है। आगे देखिए, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है, व्हाट डज द ट्रैफिक पुलिस यूज इन द ब्रेथ टेस्ट। दोस्तों आपने देखा होगा फिल्मों में या कहीं और देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो पुलिस वाले उसको रोकते हैं और रोक करके उसका ब्रेथ टेस्ट करते हैं, इसने एक्चुअली में क्या कुछ पिया है कि नहीं पिया। दोस्तों अब उस ब्रेथ टेस्ट करने वाले में जो पाइप होती है, जो मीटर होता है, उसमें जो केमिकल भरा होता है वो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड, फिल्टर पेपर पर हल्दी और सिल्वर नाइट्रेट की लेयर चढ़ी होती है। दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होता है, ध्यान देना यहां पर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्लियर, तो आपका यहां पर ए आंसर सही होगा। दोस्त आगे लेते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन, देखिए कह रहा है जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे खिलौने कटोरे आदि बनते हैं उसका नाम क्या है, द नेम ऑफ द प्लास्टिक पॉलीमर फ्रॉम विच कॉम्स टॉयस बॉल्स बाउल्स इटीसी आर मेड, पॉली यूरिथीन पॉलीस्टायरीन या मेटेलिक पॉलीसल्फाइड या टेफ्लॉन। दोस्तों जानते रहिए आप सभी लोग प्लास्टिक एक्चुअली में दो प्रकार की होती है। दोस्तों प्लास्टिक जो होती है वो दो प्रकार की होती है, प्लास्टिक क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक दोस्तों पॉलीमर होता है, मतलब जब किसी एकलक को मोनोमर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो उससे वह पॉलीमर का निर्माण होता है दोस्तों, और इस क्रिया को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो जो प्लास्टिक वो सिंथेटिक पॉलीमर होता है, प्लास्टिक एक्चुअली में दो प्रकार की होती, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, इसलिए थर्मोप्लास्टिक को हम कई बार रिसाइकिल करके नए नए रूप में ढाल सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो ऐसी प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होती है। अब जो गर्म करने पर मुलायम नहीं होगी उसका इस्तेमाल जानते हो क्या होता है, बेकलाइट होती है, जैसे कि आप कहेंगे
जो स्विच होता है इलेक्ट्रिक स्विच, वो बैकलाइट का बना होता है, उसको गर्म करोगे तो मुलायम होगा, सीधे उड़ जाएगा, मुलायम नहीं हो पाएगा वो। दोस्तों यहां कह रहा है कोम वगैरह किसके बनते हैं, तो देखिए पॉलीस्टायरीन जो कि स्टायरीन का बहुलक होता है दोस्तों, इससे क्या बनते हैं, इससे कोम वगैरह बन जाते हैं। यहां देखिए दिया हुआ है एक ऑप्शन और, टेफ्लॉन, इसको हम कहते हैं नॉन स्टिक यूटेंसिल, मतलब ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं, ना चिपकने वाले जो बर्तन होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल होता है दोस्तों, उसमें टेफ्लॉन, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। दोस्तों आज इतना ही, तो ये श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपने इसको सॉल्व किया, निश्चित तौर पर आपकी हेल्प होगी इस श्रृंखला में। तो आज इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।